संस्कृत विषय का एकादश पाठ समवायोगी दुर्जय आज अपन अध्ययन करेंगे। पूरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। प्राचीन समय में किसी एक चिड़िया एक वृक्ष के ऊपर रहती थी। तस्या संतति जाता, काले तस्या संतति जाता। उस समय पश्चात उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शून्येन अत्रोडयत्। एक बार एक प्रमत्त हाथी अर्थात मदमस्त हाथी या जिसको बोले बदमाश हाथी उस पेड़ के नीचे आता है। उस पेड़ की जो टहनी होती है उसके नीचे आकर के उस टहनी को शाखा को अपनी सूंड से हिलाता है। चटका या नीलम भूमि का पतन चिड़िया का जो घोंसला होता है उस टहनी के ऊपर वो नीचे गिर जाता है। तेन अंडानी विषीर्णानी जिसके कारण उसके जो अंडे होते हैं वो अंडे नष्ट हो जाते हैं अर्थात टूट जाते हैं। अत सा चटका व्यल्पत जिसके कारण वह चिड़िया दुखी हो जाती है रोने लग जाती है। तस्या विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटे नाम खगः दुखे ताम अपृच्छत् जिसके कारण वह रोती हुई चिड़िया को काष्ठकूट नाम यानी कि कठफोड़वा नाम का पक्षी उसको पूछता है तुम दुखी क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे दुखी होने का क्या कारण है। बद्रे किमर्थं विलपसि हे चिड़िया तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ। चटका एवदत् दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता एक दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया है या नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरे जब तक उस हाथी का वध नहीं होगा तब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। ततः काष्ठकूट ताम विनारवा नाम्या मक्षिकाया समीपम अनयत् उसके पश्चात वह कठफोड़वा नाम का पक्षी उसको एक विना नाम की मक्खी के पास में ले जाता है। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत् उन दोनों की बात सुनकर के मक्खी बोलती है ममापि मित्रम मंडूक मेघनाद अस्ति मेरा भी एक मित्र है मंडूक मेघनाद अर्थात मेंढक मेघनाद जिसका नाम मेघनाद है और वो मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः जैसा उसके पास में समाधान होगा वह समाधान तुरंत करेगा। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुनः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम् और उसके पश्चात वे दोनों उस मेंढक के पास में जाकर के सारी घटना सुनाते हैं और उनको निवेदन करते हैं। मेघनादः अवदत् अब यहाँ पर मेंढक मेघनाद बोलता है यथाहम् प्रतियामि तथा पूर्वतम जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप कीजिए। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरु सबसे पहले मक्खी आप उस हाथी के कान में जाकर के आवाज करेंगी अर्थात गुनगुनाएगी। येन स नयने निमील्य स्थास्यति जिसके कारण वह अपनी आंखें बंद कर लेगा। जब हाथी के कानों में गुंजन होगा मक्खी का तो उसके कंपन होने से कारण वो अपनी आंखें बंद कर लेगा। तदा काष्ठकूट चंचुआ तस्य नयने स्फोटयिष्यति तब कठफोड़वा नाम का जो पक्षी है वो उसकी आंखें फोड़ देगा। जिस समय आंखें बंद करेगा हाथी उस समय वो कठफोड़वा नाम का पक्षी जाकर के उसकी आंखें फोड़ देगा। गज अंधा भविष्यति हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थ से जलाशय गमिष्यति प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। मार्ग में महान गर्त अस्ति रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा रहेगा। तस्य अंति के अहम इष्टाश्यामि शब्दम च करिष्यामि उसके अंत में मैं वहां रहूंगा और अपनी आवाज करूंगा अर्थात मेंढक कहता है उस
खड्डे के अंत में मैं खड़ा रहूंगा और वहां पर अपनी आवाज निकालूंगा। मम शब्दे तम गर्तम जलाशय मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरी शब्दों को सुनकर के वह गड्ढे को तालाब समझेगा और तालाब समझ करके वह आगे बढ़ेगा। जब वह आगे बढ़ेगा तो उसकी आंखों से उसको दिखाई नहीं देगा और वह उस खड्डे में गिर जाएगा। अथ तथा कृते स गज मध्याने मंडुकस्य सप्तम अनुसृत्य महत गर्तस्य अंत पतित मृत च। और ऐसा ही हुआ, वह हाथी दोपहर के समय में उस मेंढक की आवाज सुनकर के उसका अनुसरण करता है और अनुसरण करते समय रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढा आता है और वह उस गड्ढे में गिर जाता है और गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और च उक्तम कहा गया है, बहु नाम अप्य सारा नाम समवायो ही दुर्जय। बहुत सारे निर्बल प्राणियों का समूह भी एक संगठन बनकर के किसी भी शत्रु को पराजित किया जा सकता है। अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पद में लिखकर इन प्रश्नों का उत्तर एक पद में देना है। प्रश्न क्रमांक वृक्ष का प्रतिवसति इसमें वृक्ष के ऊपर कौन रहता था या कौन रहती थी, तो उत्तर चक्का। वृक्ष से अधर कह आगत उस पेड़ के नीचे कौन आता है, तो उत्तर गजर। गजर केन शाखाम एत्रोटे हाथी किस प्रकार शाखा को हिलाता है, तो सुनने। काष्ठ कूटर चक्काम कश्या समीपम एलयत कठोड़वा उस चिड़िया को किसके पास में ले जाता है, तो मक्षी कया। मक्षी काया मित्रम क्या आसी मंडूक मेघनाद। प्रश्नवाचक शब्द क्या बनाएंगे कश्या। चटकाया नीडम भूमि है पतत, तो नीडम के स्थान पर क्या बनाएंगे प्रश्नवाचक शब्द किम। गजस्य वधेने मम दुखम अपसरे गजस्य, तो गजस्य के स्थान पर क्या जाएगा कश्य। काष्ठ कूट है चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति चंचवा के स्थान पर क्या जाएगा कया। प्रश्न तीन मंजू साते क्रिया पदानी जित्वा रिक्त स्थानानी पूरयत। अब यहाँ पर मंजू सात यानी कि एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को चुन करके खाली स्थान भरना है। काष्ट कूट है चंचवा गजस्य नयने स्फोट।